अगली खबर का रुख करेंगे, असम का रुख करेंगे। असम में बहु विवाह को खत्म करने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। बहु विवाह पर अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार की गठित विशेषज्ञ समिति ने रविवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं रिपोर्ट में कमीशन ने कहा है कि इस्लाम में चार शादियां करना जरूरी नहीं बताया गया है। इस्लाम में ये जरूरी प्रथा नहीं है, इसलिए अगर कानून बनाया जाता है तो संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं होगा। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसी साल विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। विशेष समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहु विवाह को समाप्त करने के लिए राज्य में कानून बनाया जा सकता है। और इस खबर पर हमारी सहयोगी निशी भाटिया न्यूज रूम से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशी, असम में बहु विवाह को खत्म करने के लिए जल्द ही विधेयक पेश किया जाएगा। बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, जिसके बाद मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ने लग गया है। आपको बता दें कि असम की जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने इस्लाम धर्म में जो एक प्रथा चलती आती है, जहां पर एक पुरुष को चार शादी करने का, जिसे कहेंगे एक अवसर मिलता है, उसको अवसर ही कहेंगे, और उसके बाद वो मिलता है जिसके तहत वो चार शादियां भी करता है। लेकिन अब उसके बाद एक सख्त कानून बनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और उस प्रस्ताव में ये लिखा गया है कि इस्लाम धर्म में जो प्रथा चली आ रही है चार शादी की, उसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर बंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से तीन तलाक का किया गया था, उसके बाद ये चार शादी की प्रथा भी पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद अब एक पुरुष सिर्फ एक ही शादी कर पाएगा, और उसके बाद अगर तलाक होता है तो उसके बाद शादी की जाएगी, वो मान्यता रखेगी, लेकिन उससे पहले चार शादी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है। इसके साथ ही जो विशेष समिति बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट जो सौंपी है, उसमें समिति ने यह साफ तौर पर कहा है कि संविधान के आर्टिकल 25 का इसमें उल्लंघन नहीं बताया गया है, और ऐसा कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है चार शादी करने के लिए। सत्यम, अगर आप बात करें जिस तरीके से कुरान में कई ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, और कुरान के अलावा अगर हम बात करें तो शरिया कानून में भी तमाम बातें लिखी गई हैं, जिसके तहत अगर हम पूरी गहराई में जाएं तो ये शादी का नियम है, लेकिन इसको उस तरीके से नहीं लिखा गया है कि सीधे तौर पर कि हाँ चार शादियां करनी है। उसको अलग तरीके से लिखा गया है कि आपको चार शादी करने का अवसर मिल सकता है, एक नहीं तो दूसरी नहीं, जिनसे मतलब अगर एक मेन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो दूसरी शादी कर सकता है, ऐसी लैंग्वेज में उसको लिखा गया है। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज की बात करेंगे तो डायरेक्ट लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखा गया है। अगर आपको बात की जाए पूरे इंडिया की, तो पहले तीन तलाक का जो कानून था कि जिसके तहत आप देख सकते हैं कि तीन तलाक देकर कभी भी तलाक लिया जाता था, जिसके तहत कई घर उजड़े हैं और उसके बाद कई परिवार बिखर चुके हैं, तो ये कानून लाया गया था जिसके बाद कई परिवार इससे सुखी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो चार शादी वाला नियम चलता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक इस्लाम से है। तभी आप मुस्लिम समाज में चार शादियों का आप देख सकते हैं रिवाज देखने को मिलता है, वहां पर आपको दो बीवियां भी देखने को मिलेंगी, तीन भी देखने को मिलेंगी, चार भी देखने को मिलेंगी। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। ऐसा इस्लाम धर्म में क्यों होता है? क्योंकि लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये पॉइंट तो आप समझ पा रहे होंगे ना, इसलिए तभी आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि वहां पर किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है, एकदम डायरेक्ट वे में नहीं लिखा हुआ है कि आप चार शादियां करेंगे। लेकिन उसके बाद आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, 72 रूहों का भी जिक्र इस्लाम धर्म कह रहा है कि हमारे में नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है, ये हमने खुद आपको पढ़ के दिखाया है। कई ऐसी सूरह और आयत है जहां पर इस चीज का जिक्र हो रखा है, जहां पर जिहाद का भी जिसमें कहेंगे एक मेंशन की हुई है चीज, लेकिन उससे भी इस्लाम धर्म क्यों कर रहे हैं वहां के। चलिए निशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दे चले कि बहुत जल्द ही असम में अब ये विधेयक लागू होगा, जिसमें बहु विवाह पर रोक लग जाएगी।